गौरवशाली भारत रैली है। आज सरसा की नई अनाज मंडी में रैली का आयोजन होगा, ये बड़ी खबर। गृहमंत्री अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। नई अनाज मंडी में इस रैली का आयोजन होगा जहां पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। अपने बीजेपी सरकार की जो केंद्र में 9 साल की उपलब्धियां हैं उसको लोगों को बताएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवाड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ ताजा जानकारी, फिलहाल किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही? जितेंद्र, देखिए, गौरवशाली भारत सिरसा लोकसभा रैली इसे नाम दिया गया है और इसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए, भीड़ के लिहाज से ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं चल रही है और खासतौर पर 3 मंच जो है वो यहाँ बनाए गए हैं और एक बड़ा जो विस्तार जो है वो इस अनाज मंडी के शेड को दिया गया है। जो इसका शेड पहले डबल थे और उन्हें विस्तार देकर 3 शेड में परिवर्तित किया गया है ताकि भीड़ को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और रैली में हाजिरी बड़ी से बड़ी सुनिश्चित करने के लिए तमाम बीजेपी नेता लगातार प्रयासरत रहे हैं। और अभी भी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मुख्य मंच है यह जिसके सामने मैं इस समय मौजूद हूँ। यह मंच जो है यहीं से संबोधन होगा गृहमंत्री अमित शाह का और लगातार इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से इस रैली को ऐतिहासिक बनाया जाए और इसी कोशिश में ही और तमाम व्यवस्थाएं और मंच के लिहाज से भी तमाम मंचीय व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं अभी भी जो इन्हें फाइनल टच दिया जा रहा है। और गृहमंत्री अमित शाह का जो कहा जा रहा है कि 4 बजे जो है यहाँ का कार्यक्रम संबोधन रखा गया है और यहीं इस मुख्य मंच पर ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत वे मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जो भाजपा के प्रभारी हैं विप्लव देव और ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेशाध्यक्ष हैं और साथ साथ विधायक सिरसा गोपाल कांडा और तमाम जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं, सांसद सुनीता दुग्गल जो इस रैली की संयोजक है, ऐसे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मंच पर रहेंगे और इस मुख्य मंच में जो जिसे VVIP मंच है और साथ साथ एक दूसरा मंच लगाया गया है जो VIP मंच है जो भाजपा के जो दूसरे नेता हैं वो उस मंच पर बैठेंगे। साथ साथ एक इस प्रकार से व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो इतेंद्र, और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। टोटल जो पुलिस कर्मियों की अगर बात करें तो करीब जो एक बड़ा जो करीब 5,000 ऐसी संख्या है जिसको पुलिस कर्मियों की तैनाती जो की गई है और प्रशासन ने पहले से ही धारा 144 जो है वो लागू कर दी है जो वायुसेना केंद्र से लेकर जहां जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे वहां वहां धारा 144 रहेगी उस दौरान। और तमाम वाणिज्यिक स्थल और दूसरे तमाम जो शराब ठेके हैं और जो सभी जो इस प्रकार के जो संस्थाएं हैं वो वहाँ उस रास्ते पर जहाँ से गृहमंत्री अमित शाह का आवागमन होगा वो वहाँ उसको बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। 144 लागू की गई है तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ कोई आशंका ना हो इस प्रकार से, क्योंकि लगातार कुछ संगठनों ने विरोध का भी ऐलान कर रखा था उसको देखते भी प्रशासन खास तौर पर जो है वो सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है। और मैं आपको गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम का ब्यौरा जरूर देना चाहूँगा कि गृहमंत्री अमित शाह वायुसेना केंद्र में उनका जो है वो हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसके बाद वे जो सिरसा के गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में जाएंगे और वहाँ जो बाबा अजीत सिंह कार सेवा वाले हैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पिछले दिनों ही बाबा अजीत सिंह जी का जो देहावसान हुआ था उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब की अगर बात करें ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और गुरु नानक देव प्रथम जो गुरु थे सिख धर्म के संस्थापक उन्हें कहा गया है, उन्होंने चलिया किया था, 40 दिन तक यहाँ तपस्या की थी और यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे में वे अपना मस्तक नवाएंगे और साथ साथ बाबा अजीत सिंह कार सेवा वाले हैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि बाबा अजीत सिंह ने यहाँ बड़ा जो सेवा का कार्य किया था लंबे समय तक उनके जो पंथ की और मानवता की सेवा में उनका बड़ा योगदान है, उनको नमन करने के लिए गृहमंत्री स्वयं जो है गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में जाएंगे। इसके बाद वे
इस मंच पर पहुंचेंगे और यहीं से ही जो 9 साल बेमिसाल का संदेश देने का काम करेंगे कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो केंद्र में बनी थी, उसके बाद क्या क्या ऐसी उपलब्धियां रही सरकार की, क्या कुछ खास रहा, यह तमाम ऐसी बातें जो सरकार के दौरान हुई है, चाहे G20 में भारत का नेतृत्व की बात हो या आयुष्मान योजना की बात हो, कोरोना में फ्री वैक्सीनेशन की बात हो, इसके साथ साथ धारा 370 हटाने की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर गृह मंत्री सीधा जो है वो सिरसा के लोगों से संवाद करेंगे। और एक और बात भी है जो हितेंद्र की, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से ही जो है मिशन 2024 का आगाज एक तरह से होने जा रहा है, शंखनाद होने जा रहा है, और खुद अमित शाह गृह मंत्री हैं, वे यहां से इसका आगाज करने वाले हैं। जी हितेंद्र जी, लेकिन अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से हमें तो आपने बताया कि तैयारियां लगभग सभी अभी तक पूरी हो चुकी हैं और अब फाइनल टच दिया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर रहने वाली है, क्या कुछ कड़े बंदोबस्त पूरे शहर में किए गए? हितेंद्र अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अति विशिष्ट जो श्रेणी में तीसरे नंबर पर आते हैं, पहला नंबर राष्ट्रपति का है और दूसरा नंबर प्रधानमंत्री का है और तीसरा नंबर गृह मंत्री का है। प्रधानमंत्री को SPG सिक्योरिटी कवर मिलता है और गृह मंत्री को अमित शाह को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। ऐसे में जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज है उनकी जो साथ उनके टीमें रहती हैं, और लेकिन खासतौर पर बैलिस्टिक जो सूटकेस है वो उन्हें मिला हुआ है, तो इससे उस उनकी सुरक्षा का जो महत्व देखा जा सकता है कितनी बड़ी सुरक्षा है। और जो 5 लेयर में जो है उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है, और खास तौर पर जो उनके साथ सुरक्षा दस्ता रहता है वो अब से यहाँ कुछ देर बाद कुछ तो दस्ते की जो टीमें हैं वो पहुँच चुकी हैं, कई जो पैरामिलिट्री की कंपनियाँ हैं वो पहले से तैनात हैं, तो ऐसे में सुरक्षा का एक बड़ा बंदोबस्त यहाँ किया गया है। और बिन कोई इस सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई सेन ना मार सके, परिंदा भी पर ना मार सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। और जो करीब 25 जो IPS अधिकारी हैं वे लगातार यहाँ जुटे हुए हैं सुरक्षा बंदोबस्त को दुरुस्त करने के लिए, चेक करने के लिए, और वहाँ मौजूद रहे हैं। और लगातार DGP खुद यहां आकर समीक्षा करके गए थे, ADGP, CID वे भी यहां आए थे, और साथ साथ जो ADGP श्रीकांत यादव है हिसार रेंज के IG वे भी यहां लगातार जो है सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लेते रहे हैं, समीक्षा करते रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई ढील जो है कोई चूक ना हो, क्योंकि जो अति विशिष्ट की श्रेणी में गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। जी। और अमित, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कितनी महत्वपूर्ण ये जनसभा यहाँ पर रहेगी? बिल्कुल हितेंद्र, राजनीतिक दृष्टिकोण से इस जनसभा का रैली का खास महत्व है, क्योंकि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में पहले यह है सबसे पहले रैली होने जा रही है, और मिशन 2024 की शुरुआत जैसे मैंने पहले बताया कि यहां से होने जा रही है, शंखनाद यहां से होने जा रहा है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात को कहते रहे हैं कि यह रैली ऐतिहासिक होगी, भीड़ के लिहाज से, भव्यता के लिहाज से जरूर इसका लोकसभा क्षेत्र की यह रैली कही गई है, लेकिन इसका महत्व जो है वो राज्य स्तर पर है, और राष्ट्रीय स्तर की जो व्यवस्था है वो यहाँ देखने को मिलेगी। लगातार जो रैली को व्यवस्था देख रहे हैं, मंचीय व्यवस्था देख रहे हैं वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद काणा, उन्होंने भी दावा किया था कि यह रैली भव्यता के लिहाज से, भीड़ के लिहाज से ऐतिहासिक होगी, और राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं जो हैं वो यहाँ दी जा रही हैं, उससे कोई कम नहीं है। तो ऐसे में इसका सियासी तौर पर अगर महत्व की बात करें, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का कमल कभी खिला नहीं था। 2019 में सांसद सुनीता दुग्गल ने यहाँ से जो चुनावी जीत हासिल की थी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना था, यह जो पुराना जो कभी भी यहाँ से भाजपा का कोई प्रतिनिधि नहीं बनकर निकला, पहले कांग्रेस और इनेलो के जो लोग यहाँ से जीतते रहे थे। तो ऐसे में इस लोकसभा क्षेत्र में कहीं कोई कमजोरी न रह जाए, क्योंकि जो एक सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है, ऐसा सूत्रों का कहना है कि उस सर्वे में सिरसा लोकसभा क्षेत्र और रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कुछ जो है कमजोरी महसूस जो है केंद्रीय नेतृत्व को हुई उस सर्वे के दौरान, तो उसके हिसाब से भी, उस लिहाज से भी इसे मजबूती देने की कोशिश में, क्योंकि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में देखिए 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसमें सिरसा में रैली रखना उसका एक अपना महत्व है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, उस समय आए थे सिरसा जिला में, लेकिन सिरसा शहर में नहीं आए थे, उनका सिरसा शहर में यह पहला आगमन है, और
इस रैली का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है, अमित शाह के जरिए रैलियों की शुरुआत जो है वो यहां से होने जा रही है। इसके बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी का कार्यक्रम भी रखा गया है। अगले कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी के रखे गए हैं उनकी सूची आ गई है और लगातार रैलियों का दौर जो है पूरे हरियाणा में चलेगा। आगाज जो है आज 18 जून की तारीख है, यहाँ से अमित शाह का आगाज इस रैलियों का होने जा रहा है। जी जी, और इसके लिए इस रैली को ज्यादा सफल बनाने के लिए क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई हैं, कितने प्रयास यहां पर बीजेपी नेताओं की तरफ से गए हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी यहां पर पहुंचे और प्रदेश स्तर की बात करें तो कैबिनेट मंत्री और पूर्व मंत्री भी यहां पर लगातार लगे रहे तैयारियों में। जी बिल्कुल हितेंद्र, अगर बात करें तैयारियों की, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं लगातार तैयारियां की इस रैली के लिए की गई है और अभी भी जो है मंच पर लगातार समीक्षाएं चल रही हैं। तमाम छोटे बड़े नेता जो है वो यहां तैयारियों में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और यह जो मैंने पहले दिखाया जिस प्रकार सा कि ये मुख्य मंच है, यहाँ पर किस पर तमाम जो व्यवस्थाएं की गई, इसके अलावा यह एक दूसरा मंच है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के दूसरी पंक्ति के नेता हैं उन्हें यहाँ मौका मिलेगा बैठने का, क्योंकि जो मुख्य मंच है उस पर जो व्यवस्था की गई है उसमें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी हैं विप्लव देव वे यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो सिरसा के विधायक गोपाल कांडा हैं और सांसद सुनीता दुग्गल हैं, उन जैसे तमाम जो नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। और जो अभी भी जो साउंड की जो चेकिंग की जा रही है, साउंड चेक की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना, और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट है विकास कुमार से कि दिखाएं एक बार फिर कि अभी सुरक्षा के बंदोबस्त किस प्रकार से चल रहे हैं। लगातार यहाँ पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है, यह मीडिया गैलरी भी बनाई गई है और इसके साथ साथ जो है एक जो बीच में बिल्कुल बीच में जो लगाया गया है कैमरा की व्यवस्था की गई ताकि मीडिया के लोग जो है वो यहाँ इसमें मौजूद रहें। इसके अलावा जो तमाम जो तैयारियाँ लगातार चल रही हैं कि और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो लोगों को आज सिरसा के लोगों को थोड़ी सी रैली के लिए सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त के लिहाज से थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन जो इस रैली को का जो महत्व है वो अपने आप में बड़ा महत्व है और लोगों को उम्मीद है कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय महत्व इस रैली का बन गया है और उसमें कोई ना कोई जो खास उन्हें उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है सिरसा के लोगों के लिए। और लगातार जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि यह एक सौभाग्य का दिन है जब केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां आ रहे हैं और यहीं से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का श्री गणेश होने जा रहा है, शंखनाद होने जा रहा है। तो इस रैली का महत्व इस बात से भी लगाया जा सकता है कि तमाम जो व्यवस्थाएं इस प्रकार से की गई हैं ताकि कहीं भी कमी नहीं रहे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जो रैली की व्यवस्थाएं संभालने के लिए एक जो सूचीबद्ध किया था नेताओं को, उनमें सिरसा की सांसद जो सुनीता दुग्गल है उन्हें संयोजक बनाया गया था और जो कंवरपाल गुर्जर है शिक्षा मंत्री राज्य के उन्हें जो रैली का समन्वयक बनाया गया, व्यवस्था प्रभारी का जिम्मा पूर्व मंत्री हैं विपुल गोयल उन्हें सौंपा गया, साथ साथ जो मंचीय व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी और तमाम जो सिरसा में व्यवस्थाएं करनी है उनकी जिम्मेवारी जो है वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने संभाल रखी थी और वे लगातार यहाँ लगातार जो लोगों से मिल भी रहे हैं और व्यवस्थाएं चेक कर रहे हैं कोई उसमें कमी ना रह जाए और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो सुरक्षा के लिहाज से और तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ देखने को मिल रही हैं। और अगर बात की जाए अभी भी जो मंच की व्यवस्थाएं जो लोग देख रहे हैं, मंच चेक कर रहे हैं, साउंड सिस्टम चेक किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना हो और सभी जो लोग हैं वो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, भीड़ के लिहाज से भी, व्यवस्थाओं के लिहाज से भी, तमाम बातों को देखते हुए गौरवशाली भारत सिरसा रैली का यह है जो मुख्य मंच है इस पर जो है वो नेताओं का आना अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। हालांकि रैली का जो समय है वो 4 बजे का रखा गया है, कहा गया है 4 बजे लोग आएंगे क्योंकि उससे पहले पंजाब के गुरदासपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित करना है। तो ऐसे में इस रैली का महत्व इस बात से भी लगाया जा सकता है हितेंद्र कि तमाम जो व्यवस्थाएं की गई है वो इस हिसाब से की गई है कि इस रैली का जो संदेश है वो पूरे राज्य में नहीं राष्ट्र स्तर पर जाए, भीड़ के लिहाज से भी। इसीलिए रैली को लेकर 12 सेक्टर में बांटा गया है पूरे इलाके को और रैली स्थल व विभिन्न मार्गों पर 51 जो है वो पुलिस नाके बनाए गए हैं।
32 राइडर वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 25 से अधिक जो आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है, 50 जो है वो हरियाणा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। पैरामिलिट्री की 5 कंपनियों के साथ साथ 3 से 5 हजार की संख्या में जो है वो पुलिस कर्मियों की तैनाती जो है वो यहाँ की गई है। जी हितेंद्र जी, अगर बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की, क्योंकि जैसा कि आपने बताया जहां जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरेंगे वहां पर जो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और कुछ परेशानियां भी आम लोगों को हो सकती है, तो ट्रैफिक को लेकर के क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है क्षेत्र में? अमित, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सवाल रिपीट कर। जी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल हितेंद्र। हाँ, मैं पूछ रहा था कि क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, एक बार दोहरा दें। हेलो, जी अमित, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है ताकि क्षेत्र के लोगों को कोई परेशानी ना हो? बिल्कुल हितेंद्र, व्यवस्थाएं जो की गई हैं ताकि यातायात को सुचारू रखा जा सके, हालांकि कोशिश प्रशासन की है लगातार, इसीलिए जो है करीब जो 3 से लेकर 5 हजार की एक जो बड़ी संख्या है उसकी में तैनाती जो है पुलिस कर्मियों की गई है। और सिरसा की अनाज मंडी में रैली हो रही है, यहाँ के जो तमाम पहुँच रास्ते हैं उन पर कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं और सुरक्षा पास के बिना, जिस अधिकृत पास के बिना एंट्री नहीं दी गई है, और संख्या को जो पास वाले लोग हैं उन्हें भी लिमिटेड रखा गया है ताकि किसी प्रकार की सुरक्षा में दखल ना हो सके, ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। और लगातार जो अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो रूट भी कई जगह से डाइवर्ट किए गए हैं ताकि आम पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि समय जो है वो रैली का 4 बजे है और एक छोटा सा मंच और भी लगाया गया जहां से कुछ देशभक्ति के कुछ जो गाने हैं वो चलाए जा सकेंगे। छोटा सा मंच है वहां, लेकिन जो जो दो मुख्य मंच है, यह है मुख्य मंच है और इसके बराबर ही एक जो छोटा मंच लगाया गया है। तो व्यवस्थाओं के लिहाज से इस रैली को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए, भीड़ के लिहाज से ऐतिहासिक बनाने के लिए इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जो लोगों को एक बड़ा संदेश जो है 9 साल की, मैंने जैसा पहले बताया कि 9 साल किस प्रकार के रहे, उपलब्धियों भरे रहे, उन तमाम चीजों को जो दिखाने का जो काम जो है, बताने का काम जो है, संदेश देने का काम अमित शाह इस रैली के बिल्कुल माध्यम से करेंगे और साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता। बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा क्योंकि शाह का शंखनाद अमित शाह आज पहुंच रहे हैं सिरसा में और हरियाणा में 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारियों का आज से शंखनाद इसे माना जा रहा है। सुरक्षा प्रबंध बहुत अच्छे हैं और फाइनल रिहर्सल भी हमारी हो चुकी है, बहुत पुख्ता प्रबंध है और बहुत अच्छे से, बहुत पीसफुली रैली संपन्न होगी। सुरक्षा प्रबंध बहुत अच्छे हैं और फाइनल रिहर्सल भी हमारी हो चुकी है, बहुत पुख्ता प्रबंध है और बहुत अच्छे से, बहुत पीसफुली रैली संपन्न।